बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर खान। बात करेंगे पीटीआई और नून लीग इलेक्शन स्ट्रेटजी और इमरान खान की जेल भरो तहरीक को लेकर। पीटीआई नून लीग की होने वाले इलेक्शन की स्ट्रेटजी पर और खान साहब की जेल भरो तहरीक को लेकर पीटीआई की प्लानिंग पर मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेकाम तो जारी है। इस दौरान पीटीआई ने इलेक्शन का मैदान मौजूदा रिजीम के लिए खुला छोड़ने के बजाय इसे अवाम की पुरजोर हिमायत से लड़ने का फैसला किया है। जी हां, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन को लेकर हिकमत अमली तैयार कर ली है। फैसला किया है कि आने वाले इलेक्शंस में पार्टी के नजरियाती कारकुनान और नौजवानों को पार्टी टिकट अलॉट करते वक्त अहमियत दी जाएगी। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुख्तलिफ हलकों के अहदेदारों से मीटिंग की है, जिसमें हर हलके से तीन तीन उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तैयार की गई है। नामों की सिलेक्शन चेयरमैन इमरान खान खुद फाइनलाइज करेंगे। इस बारे में खान साहब बड़े क्लियर हैं कि इस बार टिकट उन लोगों को मिलेगा जो पार्टी के नज़रियात के साथ खड़े हैं, और इस प्रोसेस के दौरान नौजवानों को भी स्टेक होल्डर बनाया जाएगा। इस बार अलीम खान, जहांगीर तरीन जैसे ज़ाती मफादात रखने वाले शख्सियात के बजाय जो पार्टी की बदनामी का बाइस बने, पढ़े लिखे नौजवान और नज़रियाती कारकुनों को अहमियत दी जाएगी। जी हां, खान साहब ने यह भी फैसला किया है कि इस बार बरादरी के बजाय उम्मीदवारों के मेरिट को देखा जाएगा। साथ ही मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई की इलेक्शन स्ट्रेटजी को देखते हुए अपने नाराज अराकीन को मनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मरियम बीबी और शहबाज शरीफ यानी चचा भतीजी की बैठक हुई है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी और नून लीग के दीगर नाराज लीडरान की रिजर्वेशंस दूर करने के लिए सोच विचार किया गया है। पार्टी की तंजीम साजी वर्कर कॉन्वेंशन और पंजाब के साथ साथ केपीके में मुमकिना इलेक्शन के हवाले से गौर व फिक्र जारी और सारी है। ये तो वो बातें हैं नाजरीन जो अवाम तक पहुंचाई गई हैं। हकीकत तो इसके कुछ और है। इस वक्त नून लीग शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। पार्टी के अंदर मरियम नवाज हमजा ग्रुप की लड़ाई फैमिली लिमिटेड पार्टी के हर कारकुनान के इल्म है। सीनियर लीडरान की पार्टी के मरकजी रहनुमाओं से इख्तलाफ ने पार्टी की बुनियाद को मजीद कमज़ोर कर दिया है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ पार्टी के नाराज लीडरान को तो मना लेंगे, लेकिन इस अवाम बिचारी का क्या? इस अवाम को कैसे अपने हक में करेंगे जिन्हें जीते जी मार डाला है। अवाम इनसे तंग आ चुकी है, सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। 8 माह के दौरान इन्होंने अपने सारे केसेस ख़त्म करने के बजाय अगर अवाम की गुर्बत को ख़त्म किया होता तो अवाम का ठाटे मारता समंदर आज नून लीग के नारे लगा रहा होता, पर इस क्रप्टोला ने अवाम का तो कचूमर निकाल दिया है। मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब, आप जितनी मर्जी अपने लीडरान की मिन्नत समाजत कर लें और बूट पॉलिश कर लें, बूट को चमका चमका के उसका नक्शा ही बदल दें, पर अब आपको और आपकी फैमिली लिमिटेड पार्टी को अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम ने आपके ऊपर सुर्ख दायरा लगा दिया है। आपकी और आपको लाने वालों की इलेक्शन धांधली की बनाई गई बुनियाद अवाम अपने वोट से गिरा चुकी है। खान साहब की जेल भरो तहरीक के मोमेंटम में तेजी आ गई है।
ऑन साहब की जेल भरो तहरीक को लेकर पीटीआई के 4 लाख से जायद कारकुनान अपने आप को पेशे खिदमत करने के लिए रजाकाराना तौर पर सामने आ चुके हैं। जी हां, इस तहरीक को 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में मरकजी कायदीन और अराकीन पार्लिमान गिरफ्तारियां पेश करेंगे। दूसरे मरहले में 500 कारकुनान हर सूबाई असम्बली से गिरफ्तारियां पेश करेंगे। तीसरे मरहले में अवाम और वोटर से गिरफ्तारियों के हवाले से अपील की जाएगी। अवाम तो पहले ही जेल से बदतर जिंदगी गुजार रही है। इस मौजूदा रिजीम को घर जल्द से जल्द भेजने के लिए अवाम बेसब्री से खान की कॉल की मुंतजर है। नाजरीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।